हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज का वीडियो में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप कैसे टिंकर कैड का यूज़ करते हुए आप ब्लॉक कोडिंग कर पाएंगे। सो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है टिंकर कैड पर। सो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया टिंकर कैड, जो सबसे पहली वेबसाइट आ रही है दैट इज़ द टिंकर कैड डॉट कॉम। इसको आपको क्लिक करना है। सो बेसिकली जो टिंगर कैड है, आप यहाँ पे डिजाइनिंग भी कर पाते हैं और आप यहाँ पे सर्किट डिजाइनिंग पे यहाँ पे कर पाएंगे और आर्डिनो पे भी प्रोजेक्ट बना पाएंगे। सो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, उसके बाद पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे किसी भी जीमेल आईडी से आपको साइन इन कर लेना है, और ये सबसे सिंपल स्टेप है। सो मैंने यहाँ पे अपना जीमेल आईडी डाल दिया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया जीमेल आईडी का। वेट फॉर ए सेकेंड, ये वेबसाइट को आपको लोड होने देना है। ओके सो इस टाइप की आपकी ओपन होने के बाद, मतलब कि लॉगिन होने के बाद इस टाइप से ओपन होकर के आ जाएगी। आपको सिंपली न्यू पे क्लिक करना है, देन आफ्टर आपको सर्किट पे क्लिक करना है। सो बेसिकली आज का प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे कि आर्डिनो का यूज करते हुए एक सिंपल जो एलईडी बल्ब होता है उसको ब्लिंक करने की कोशिश करेंगे। सो इस टाइप के प्लेटफॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है आर्डिनो। आर्डिनो मैंने सर्च किया, आर्डिनो उनो आ गया। उसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको स्क्रीन पर। देन आफ्टर हमें एक एलईडी बल्ब की भी जरूरत पड़ेगी। सो मैंने आर्डिनो को डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एलईडी। ओके सो एलईडी बल्ब आपके सामने आ गई। और एलईडी बल्ब जो होती है वो 2 वोल्टेज की होती है, और जो आर्डिनो की जो आउटपुट होती है वो होती है 5 वोल्ट। सो यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया कि एलईडी का जो पॉजिटिव पॉइंट होता है उसको मैंने 2 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की भी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो मैंने रेजिस्टेंस को ले लिया। रेजिस्टेंस का एक पॉइंट मैं लगा दूंगा निगेटिव पॉइंट पर, और एक पॉइंट मैं लगा दूंगा एलईडी बल्ब के निगेटिव पॉइंट पर। ओके सो मैंने एलईडी के निगेटिव पॉइंट पर रेजिस्टेंस को लगा दिया, और रेजिस्टेंस का जो बचा हुआ पॉइंट है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा निगेटिव से, डैट इज द जीएनडी। यहाँ पे आपको जाना है ब्लॉक कोडिंग पे। यहाँ पे आपको मिलेगी ब्लॉक प्लस टेस्ट कोडिंग। तो जो सबसे पहले जो कोडिंग इसमें डली है पहले से, तो मैं उसको क्या करूँगा कि मैं उसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक को उठा लिया जो कि है, तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे ब्लॉक को उठाएंगे तो यहाँ पे कोडिंग ऑटोमेटिक होती जाएगी। तो सिंपली आपको ब्लॉक कोडिंग करना है और यहाँ पे टेक्स्ट कोडिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे जो ब्लॉक उठाई है वो उठाई है सेट पिन नंबर 2, क्योंकि पिन नंबर 2 ही पर ही हमारी एलईडी बल्ब कनेक्टेड है। सो इसलिए मैंने ब्लॉक कोडिंग में कौन सा ब्लॉक उठाया, सेट पिन 2 नंबर 2 हाई, मतलब कि 2 नंबर पिन को क्या करेगा, हाई कर देगा। इसके बाद मैंने एक वेट टाइम लिया 1 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड का डिले लेगा। उसके बाद मैंने सिंपली डुप्लीकेट कर दिया कोड को, है ना? तो सिंपली हमारी कोडिंग इस टाइप से हो गई कि सबसे पहला लाइन में क्या हो रहा है कि पिन नंबर 2 जो है वो हाई हो रहा है, मतलब ऑन हो रहा है। उसके बाद 1 सेकेंड की डिले हो रही है, उसके बाद पिन नंबर 2 लो हो रही है, फिर से 1 सेकेंड की डिले हो रही है ना? तो जो जब मैं सिमुलेशन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारी जो बल्ब है वो 1 1 सेकेंड के बाद ऑन ऑफ होनी स्टार्ट हो गई।
फिर से आपको कोड पे मैंने क्लिक किया। सो जो यहाँ पे टेक्स्ट कोडिंग आ रही है इसको आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने जो टिंकर कैड का यूज़ किया सिंपली टेक्स्ट कोडिंग को जनरेट करने के लिए, और टेक्स्ट कोडिंग को हमने कैसे बनाया, ब्लॉक कोडिंग से। सो मैंने आर्डिनो आईडीई को ओपन कर लिया। आर्डिनो आईडीई से बेसिकली आप सिंपली कोडिंग कर पाते हैं आर्डिनो में। सो मैंने यहाँ पे केबल को अटैच कर दिया लैपटॉप से, और मैंने एक वीडियो में बताया कि आपको आर्डिनो आईडीई कैसे इंस्टॉल करनी है सिस्टम में और कैसे कोडिंग करनी है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। अब आपको जाना है ऊपर टूल्स में। बेसिकली हमें आर्डिनो को बताना होता है कि हमारी कौन सी बोर्ड लगी, आर्डिनो उनो सिलेक्टेड है, सही है, एंड पोर्ट डेट इज PORT। यहाँ पे आपको वही पोर्ट सेलेक्ट करना है जो आर्डिनो के लगाने के बाद वहाँ पे अपेयर होती है। सिंपली आपको कोड को अपलोड करना है। यहाँ पे बोल रहा है मुझसे कि आप कोड को सेव करना चाहते हैं। मैंने सिंपली कैंसिल या कैंसिल पे क्लिक करना है, या फिर सिंपली कट कर देना है इसको आपको, है ना। सो आप देखेंगे कि कोड अपलोड होनी है स्टार्ट हो गई। जब तक कोड अपलोड होती है आपको क्या करना है, कनेक्शन कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सिंपली कनेक्शन कैसे होगा, कि जो नेगेटिव पिन है, तो यहाँ पे मैं वाइट वाली एलईडी ले रहा हूँ, उजली वाली एलईडी। तो जब आप उजली वाली एलईडी लेते हैं तो वो अप्रॉक्स 5 वोल्ट पे ही ऑन ऑफ होती है, तो यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस का यूज नहीं करूँगा। मैंने एलईडी बल्ब का निगेटिव पॉइंट GND पर लगाया और एलईडी पिन का पॉजिटिव पॉइंट आपको लगाना है 2 नंबर पिन पर। तो आप देखेंगे कि एलईडी बल्ब जो है वो ऑन एंड ऑफ होनी स्टार्ट हो गई। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।